दोस्तों, सोनाली फोगाट तो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई, लेकिन उन्होंने अपने पीछे अपनी 110 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति छोड़ गई। अब इस 110 करोड़ का मालिकाना हक सोनाली की एकलौती संतान यशोधरा का है। 15 साल की बच्ची को उसकी मां की विरासत सौंपी गई है। साथ ही उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ की सारी जिम्मेदारियां संभालेगी। इसी बीच अब यशोधरा पर भी एक खतरा मंडरा रहा है। आइए जानते हैं आखिर ये खतरा क्या है और उस पर यशोधरा ने आखिर क्या कहा। दोस्तों, सोनाली फोगाट का मामला काफी पेचीदा होते जा रहा है। एक तरफ जहां सुधीर ने अपना गुनाह कबूल किया है, वहीं पुलिस अभी तक इस मामले के पीछे की असल वजह का पता लगाने में असमर्थ है। इसी बीच अब बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने अपनी मां के लिए इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। बेटी ने एक बार फिर मां के मामले की जांच हायर अथॉरिटीज को देने की। यशोधरा ने कहा कि जांच में जितनी देर होगी, सबूतों को खोने का उतना ही डर होगा। यशोधरा ने कई सवाल भी उठाए। उसने दावा किया है कि सोनाली के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। हरियाणा के हिसार में फार्म हाउस पर ठहरी भाजपा नेता सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा का कहना है कि मुझे और मेरे परिवार वालों को जान का खतरा है, हमें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और जल्द से जल्द सीएम से मुलाकात करवाई जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में फोगाट के परिवार वालों को न्याय की आवाज उठाने के लिए उन्हें काफी डराया जा रहा था कि वो इस मामले की जांच की मांग करना छोड़ दे। इसी बीच अब सोनाली की बेटी ने भी इस मामले को लेकर कहा कि उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। वहीं अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इस मामले में सोनाली की बेटी और उनके परिवार वालों को आश्वासन दिलाते हुए कहा, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, उनके परिवार को कुछ भी नहीं होगा, हम उनके परिवार की सुरक्षा का पूरा से पूरा ध्यान रखेंगे, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस और सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है, हम पूरी सहायता करेंगे और उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।